इंजीनियर्स आज जानते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में आरसीसी स्ट्रक्चर में हनीकॉम्ब क्यों आता है, साथ ही साथ ऐसा क्या काम करें जिससे हनीकॉम्ब आएगा ही नहीं आपके स्ट्रक्चर में, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज हम बात करने वाले हनीकॉम्ब क्यों क्यों आते हैं, साथ ही साथ उसके प्रिवेंशन मेथड क्या है जिसके हेल्प से हम हनीकॉम्ब आना ही बचा था। इंजीनियर्स उसके पहले समझते हैं हनीकॉम्ब होता क्या है। हनीकॉम्ब क्या हो रहा है, कोई भी कैविटी या फिर होलो स्पेस बहुत सारे क्रिएट हो जाए कॉन्क्रीट में तो वो हनीकॉम्ब होता है। अब ये हनीकॉम्ब दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। जो भी कॉन्क्रीट मास में हो रहा है ना तो इनसाइड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जो बाहर वाले होते हैं वो आपको आसानी से दिख जाएगा, जैसे ही आपने शटरिंग हटाई ना आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बाहर पर जो आए हैं। परंतु अंदर वाले कैसे देख सकते हैं, अंदर वाले हम देख नहीं सकते, परंतु टेस्ट होते हैं जो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं, जैसे एक एग्जांपल दूं तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, वो पता कर सकता है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर भी हनीकॉम्ब आया है कि नहीं। अब बात करते हैं इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इम्प्रॉपर वाइब्रेशन। अब इम्प्रॉपर वाइब्रेशन में दोनों केस आते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर दे तभी भी नुकसान है, बहुत कम वाइब्रेट कर दे तभी भी हनीकॉम्ब आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे कि प्रॉपर वाइब्रेशन हो। दूसरा एक और कॉमन रीज़न होता है कि आप क्लियर कवर, जो आपके आई एस कोड में क्लियर कवर बताया गया उस तरह से आपने क्लियर कवर नहीं दिया। अब क्या होता है, क्लियर कवर हम कम दे दें तो ज़्यादा दिक्कत आती है, कम दे देंगे तो क्या दिक्कत आती है, आपके जब रेनफोर्समेंट की जगह ही नहीं रहेगी। जैसे आपके कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर देना है परंतु आपने दे दिया 15 mm का, तो अब दिक्कत क्या है, जब आपके एग्रीगेट जो कोर्स एग्रीगेट हैं उसके साइज़ बढ़े हैं तो वहाँ पर वो प्रॉपरली जा ही नहीं पाएगा। अब वो प्रॉपरली जा नहीं पाएगा तो प्रॉपर वाइब्रेट नहीं होगा, वहाँ पर कॉन्क्रीट ढंग से पहुँचा ही नहीं, तो ये एक दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, एकदम हाई स्टिफ कॉन्क्रीट यूज़ करने के लिए। हाई स्टिफ कॉन्क्रीट कैसे पता कर सकते हैं, आप उसका स्लम्प टेस्ट करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कंक्रीट स्टिफ है कि नहीं है, साथ ही साथ वो ट्रू स्लम्प है, जीरो स्लम्प है, कोलैप्स है कि शियर स्लम्प है, ये पूरा अपन लोग पता कर सकते हैं स्लम्प टेस्ट से। अब इसका रेमेडी भी बहुत आसान है, इसको ठीक करना कि आपका कंक्रीट स्टिफ ना हो, वाटर सीमेंट रेशियो आप आसानी से मेंटेन करके रखेंगे तो इसके कारण जो हनीकॉम्ब आ रहा है उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपन लोग थोड़ी देर बाद पूरे कॉजेस का रेमेडीज देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जब भी जंक्शन आ रही है, आपके बीम टू बीम जंक्शन आ रही है, बीम टू कॉलम जंक्शन आ रही है, एक ही जगह बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट आने लगते हैं। अब एक ही जगह बहुत सारे रेनफोर्समेंट हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगा, वहाँ पर कॉन्क्रीटिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी, वहाँ पर प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण मटीरियल सेग्रीगेट होने लगते हैं, तो ये एक दिक्कत आती है जिसके कारण हर दम आप देखे होंगे स्ट्रक्चर में बहुत कॉमन है कि आपका बीम टू बीम जंक्शन या बीम टू कॉलम जंक्शन में अधिकतर हनीकॉम्ब दिखे। साथ ही साथ एक और बहुत कॉमन रीज़न है कि कहीं अपन लोग कोर्स एग्रीगेट या फिर जो भी आपने सबसे बड़ा साइज़ का एग्रीगेट यूज़ किया है वो ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो इससे भी वही परेशानी आती है जैसे अपन लोग ने बताया था रेनफोर्समेंट में, कहीं ज़्यादा रेनफोर्समेंट आ जाता था तब क्या होता था कि आपका कॉन्क्रीट ढंग से नहीं आ पा रहा, वैसी एक दिक्कत होती थी क्लियर कवर, कहीं क्लियर कवर मेंटेन ना करें। अब यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट कर लिया, अपन लोग ने क्लियर कवर तो प्रॉपर मेंटेन किया परंतु दिक्कत क्या कर दी है, लास्ट साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर लिया, जैसे 40 mm का यूज़ करने लगा मैं बीम और कॉलम में, तो अब वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है कि 40 mm का एग्रीगेट पूरा प्रॉपर अंदर आ सके, तो ये एक दिक्कत देता है। इंजीनियर्स ये तो बात हो गई, अपन लोग अभी पता कर रहे हैं कि हनीकॉम्ब के कारण कैसे कॉजेज आ रहे हैं, उससे प्रिवेंशन कैसे होता है, परंतु आपको पूरा स्ट्रक्चर का राइट प्रोसेस जानना है कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपन लोग एस्टिमेशन बनाते हैं, कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं, साथ ही साथ कैसे आप पूरे सॉफ्टवेयर स्किल और पूरे प्रैक्टिकल स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ पर जाके चेक कीजिए या फिर कॉल कीजिए 9111001234। आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, बिल्कुल एक बार जाके कॉल कीजिए 9111001234 में। अभी अपन लोग पता करते हैं कि कैसे हनीकॉम्ब को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब आपके स्ट्रक्चर में हनीकॉम्ब आए ना उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लोग ये चीज़ का ध्यान देंगे, कॉन्क्रीट अच्छे से फॉल सही हाइट से हो रहा है कि नहीं, आपने कहीं 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से कॉन्क्रीट को फॉल कर रहे हैं, वो पहला ही रीज़न आ गया कि उसमें सेग्रीगेशन बना लिया और हनीकॉम्ब आने वाला है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर मेंटेन करके रखें जिससे प्रॉपर कंक्रीट फैल सके, आपका प्लेसिंग सही तरीके से हो सके। साथ ही साथ ये एक और इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से साइज़ का कंक्रीट में एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर एग्रीगेट का मिक्सिंग हुआ है कि नहीं, कहीं इस चीज़ का भी ध्यान देंगे तो आपके कॉन्क्रीट में कभी भी हनीकॉम्ब नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट में, कि आप कॉम्पैक्शन प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, वाइब्रेशन प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं,
अब इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आगे बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, साथ ही साथ वो टाइट है कि नहीं, रिजिड है कि नहीं, वहाँ पर लीकेज तो नहीं है वाटर का। अब ये अधिकतर दिक्कत आ जाती है कि आप मतलब बहुत पुराने फॉर्मवर्क यूज़ कर रहे हैं, हर एक फॉर्मवर्क का लिमिटेड एज होता है, लिमिटेड टाइम ऑफ यूज़ होता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर्मवर्क कौन सा फॉर्मवर्क कितने दिन चल सकता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनेगा आपके लिए। अब आपको एक और चीज़ बताया था जब अपन लोग बात कर रहे थे कि आपका वाइब्रेशन सही होना चाहिए, साथ ही साथ साइज ऑफ एग्रीगेट आपको प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए। जब बात करते हैं अपन लोग बीम कॉलम के जंक्शन की या फिर बीम की जंक्शन की, तो वहाँ पर क्या होता है, हदम रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं आपने एग्रीगेट लार्ज साइज़ का यूज़ किया तो वहाँ पर एग्रीगेट प्रॉपरली जा नहीं पाएगा, तो हरदम ध्यान देंगे कि वहाँ पर 20 mm से कम का एग्रीगेट यूज़ करें या 20 mm एग्रीगेट यूज़ करें। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर प्रॉपर आप वाइब्रेशन करें। अब वहाँ पर वाइब्रेशन करने तो एक और चीज़ का ध्यान देंगे, नीडल वाइब्रेटर यूज़ करेंगे, नीडल वाइब्रेटर कहीं आप 25 mm या उससे कम का यूज़ करें तो और अच्छी बात। साथ ही साथ इसमें एक और काम करते हैं अपन लोग, वुडन हैमर लकड़ी का हथौड़ा लेते हैं और बाहर से हैमरिंग कर देते हैं, टैपिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कॉन्क्रीट अच्छे से प्लेस हो पाता है। होपफुली आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कहीं ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।